गणपति की तैयारी कर रहे हैं। आज फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ गणपति बिठा रहे हैं, सुबह से आज तैयारी में लगे हैं। सारा फर्नीचर इधर का उधर कर दिया है हमने गणपति डेकोरेशन करने के लिए। ये ऐसे पेड़ों हमने ऐसे डेकोरेशन किया है, कर्टन ये ऐसे दोनों को मैचिंग किया है। डाइनिंग टेबल पहले उस साइड थी, अब उसको खींच के इधर लेके आए हैं और यहाँ पे हम गणपति की स्थापना करने वाले हैं। ये एक उनके लिए सिंहासन बनाया है और ये एक अच्छे से उनके लिए डेकोरेट किया है। और छोटे ही गणपति लाने वाले हैं इस बार हम लोग, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हम लोग गणपति बिठा रहे। उससे पहले तो हम गणपति नहीं बिठाते थे, क्लब हाउस में बैठते थे तो वहीं पूजा करते थे। इस बार घर में भी बिठा रहे। ये भगवान के दो पिलो बनाए हैं, अभी इसको डेकोरेट करना रह गया है, अभी करेंगे। अभी गणपति जी की मूर्ति लेने भी जा रहे हैं क्योंकि कल मार्केट में काफ़ी रश हो जाएगा, तो अभी हम लेके आने वाले हैं। जाने के लिए रेडी हो गए, बैग ले लिया है, पर्स ले लिया है और मास्क, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये भी ले लिया है, ये लगा लेते हैं। ये वाली मूर्ति पसंद की है, हम इको फ्रेंडली मूर्ति लेना चाह रहे थे पर हमको यहाँ पे मिली नहीं थी, तो फिर ये वाली मूर्ति हमने पसंद की है। काफ़ी सुंदर गणपति हैं हमारे। देखिए शॉप में कितने सुंदर सुंदर गणपति हैं, और इस साल बहुत छोटे छोटे गणपति थे, बड़े गणपति नहीं थे शॉप में ज़्यादा। गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं हम लोग और उनको चावल के ऊपर स्थापित करते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा उनकी स्थापना कर रहा है। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। ये देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनाई है और हमने गणपति की स्थापना कर दी है और 7 दिन के लिए गणपति जी को हमने अपने घर में बैठाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गौरी पूजन का है। मेरी फ्रेंड के घर गौरी पूजा हुआ था तो वहाँ का है वीडियो। ये 3 दिन के लिए गौरी बिठाई जाती है, महाराष्ट्र का प्रमुख मुख्य त्यौहार है। इसमें एक दिन गौरी जी की स्थापना होती है, दूसरे दिन उनको भोग लगाते हैं और तीसरे दिन उनका विसर्जन होता है। और काफ़ी सुंदर डेकोरेशन करते हैं उनका, उनको बहुत सुंदर से गहने, नई साड़ियाँ और काफ़ी अच्छा उनका श्रृंगार किया जाता है। देखिए आपको भी देख के अच्छा लगेगा, देखिए आप लोग भी देखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग आरती कर रहे हैं, डेली सुबह शाम आरती करते थे, काफी अच्छा लगता था। आज हमने उनको मोदक का भोग लगाया है और डेली बच्चे दोपहर में नई नई डिश बनाते थे और उनका भोग लगाते थे। देखिए आज हमने गणपति जी के लिए महाप्रसाद बनाया है और आज ही हमारे गणपति जी का विसर्जन होने वाला है। शाम को 4 बजे लेके जाएंगे विसर्जन के लिए। विसर्जन से पहले लास्ट आरती कर रहे हैं हम अपने गणपति बप्पा की।
विसर्जन के लिए गणपति जी को ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, फूल वगैरह सब हटा के उनको लेके जा रहे हैं और उनसे कामना कर रहे हैं कि कोरोना को भी अपने साथ वापस लेके जाओ। कार में अपने गणपति जी को लेके जा रहे हैं, तालाब पर लेके जाएंगे उनको विसर्जन करने के लिए। ये घर के पास का ही एक तालाब है जहाँ पे हम विसर्जन करने के लिए लेके गए थे उनको। ये देखिए विसर्जन हो रहा है हमारे गणपति जी का।